लगातार कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे थे बिहार एस एस थर्ड सीजल के फोटोग्राफ बहुत सारे लोगों ने गलती किया था जैसे वाइट बैकग्राउंड की जगह पर कोई और बैकग्राउंड कलर के यूज कर लिया इसके ऊपर बात करेंगे और फॉर्म सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए और जो भी गलतियां कर रहे हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले मैं महबूबा अविनाश कुमार चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोग्राफ सुधारने को लेकर या जो भी सुधार कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर जो भी आपका सुधार किया आपने यहां पर जो भी आपने फील किया ठीक है आपने मान लेते हैं आर करना था आपको सर्किल ऑफिसर ठीक है आपने कर दिया आर तो यहां पर इस सब्जेक्ट का नाम लिखना है मिस्टेक है। जो भी गलती हुए उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है जैसे आप ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट यहां पर लिख देंगे ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट इशू ठीक है लिख देंगे यहां पर आवेदन में ट्रुटी क्या हुआ था तो आर और क्या सुधार किया तो यहां पर सी ठीक है इस तरह से आपने लिख देना है फिर यहां पर मान लेते किसी ने एनसीएल को लेकर सुधारना है ठीक है एनसीएल का डेट सुधारना है आपने गलती से लिख दिया था 2023 गलती से हो गए ठीक है और यहां पर आपको फिल करने थे 2022 यानी जो भी डेट इशू हुआ हो आपका बारह मई को इशू हुआ हो जो भी डेट का इशू हुआ और यहाँ पर गलती से आपका डेट गलत हो गया तो इसे लिख कर, फिर यहाँ पर ठीक वैसे ही आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट लिखने में गलती कर दिया सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट लिखना होता है पर आप लिखना चाहें तो सारे सब्जेक्ट अपना लिख सकते हैं इंजीनियरिंग वाले आपका अपना मर्जी है पर जो मेन ब्रांच है ना सिर्फ वही लिखना है यहाँ पर जो आप यूट्यूब पर देखते हैं कि ये सारे ब्रांचेज लिखने पड़ेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है तो आप जो सब्जेक्ट ऑनर्स लिखते हैं वही काफ़ी है फिर भी आप सुधारना चाहते हैं कि आप सब सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनर्स का अपना सब्जेक्ट लेकर फिर यहाँ पर ऑनर्स प्लस आपका जो भी ब्रांचेज है जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के नाम लिखते जाओ प्लस करते जाओ सब्जेक्ट के नाम लिखते जाओ प्लस करते जाओ इसी तरह से आपको करते जाना है यानी ये कॉलम में फुल नहीं होता तो दूसरे कॉलम में ले जाए तीसरे कॉलम में ले जाए पर यहाँ पर फिल नहीं करना फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है फिर यहाँ पर लिखना है अगले गलती के सुधारने के लिए अब ये सब लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है अपने पिताजी का नाम लिखना पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना और अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है ठीक है और यहाँ पर लिखने के बाद अपना सिग्नेचर करना देन यहाँ पर आपका एक कैपिटल लेटर में नाम लिखना है फिर यहां पर एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर और देन यहां पर मोबाइल नंबर और यहां पर इसे अपलोड कर देने ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर आकर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने देन पासवर्ड फिल करने और देन ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा फिल करने इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन होगा आपको अपलोड करने के ऑप्शन होंगे एक बॉक्स जैसा इस तरह का ऑप्शन होगा वहां पर आपको जैसे ही क्लिक करते हैं आपको फाइल पी फॉर्मेट में अपलोड करना है तो पी फॉर्मेट में अपलोड करना है देन वहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो उससे पहले एक ओ आएगा और जैसी ओटीपी आता है उसके बाद वेरिफिकेशन हो गए देन यहां पर आप सबमिट हो जाएंगे आपके ये एक फॉर्मेट है ठीक है अब बात आते हैं कि यहां पर जिनको ये सुधारना है कि जिन्होंने फोटोग्राफ में गलती कर रखा है तो यहां पर आपको लिखना है फोटोग्राफ ठीक है अगले लास्ट ऑप्शन में हम लिख लेते हैं फोटोग्राफ यहां पर फोटोग्राफ में आपने गलती किया क्या, क्या क्या गलती किया आपने डाल दिया ब्लू बैकग्राउंड ठीक है ब्लू बैक बैकग्राउंड जी आर ओ यू एन डी बैकग्राउंड माउस से नहीं लिख पाता हूँ ठीक है तो आप समझ जाइएगा ब्लू ब्लू बैकग्राउंड आपने डाल दिया पर होना चाहिए था या वाइट कलर होना चाहिए था या लाइट कोई भी लाइट कलर में होना चाहिए था लाइट कलर में कोई भी कलर हो आ, ब्लू हो सकते हैं लाइट ब्लू हो सकता है लाइट ग्रे हो सकते हैं जो भी कलर हो ये सब एक्सेप्टेड है यदि आप व्हाइट डाल रखा है व्हाइट की जगह पर कोई भी लाइट कलर में डाल रखा है ना लाइट पिंक हो जाए या ग्रे हो जाए या ब्लू हो जाए लाइट ब्लू लाइट कोई भी कलर हो यहां पर एक्सेप्टेड है यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं है हाँ पिंक कलर अलाउड नहीं है तो पिंक कलर आपको नहीं डालने पर हाँ लाइट कलर है आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं होंगे अब सुधार करना चाहते तो फिर भी यहां पर व्हाइट फोटो व्हाइट या लाइट बैकग्राउंड करके लिख कर देन यहां पर आपको एक फोटोग्राफ के लिए एक अलग पेज लेने आप कोई भी ए फोर फॉर्मेट साइज में पेज लेने वहाँ पर आपको फोटोग्राफ ठीक वैसे आप साइड में लिख लगा दो या ऊपर कहीं लगा कर और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करके अपलोड कर देने हैं वेबसाइट के ऊपर एक ही पीडीएफ में दोनों को अटैच करके रखना है इससे भी अटैच करना है देन सेकंड जो आपका पीडीएफ है उससे भी अटैच करके आपको एक साथ अपलोड कर देनी है फिर आपका काम बन जाएंगे और इसके बाद जो आपको एड्रेस के ऊपर भेज रहा है देन आप वो ठीक वैसे ही कर सकते हो और क्योंकि आप बिहार एस के वेबसाइट के ऊपर अब भी जाते हैं तो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा क्योंकि क्योंकि अभी वहाँ पर क्या लिखे हुए हैं ये पढ़ना ज़रूरी अभी भी नहीं ओपन हो रहे ठीक है मेरे पास पी नहीं है क्या लिखे हुए थे ये देखना बहुत जरूरी है उसमें फिर उसके बाद ही एग्जैक्ट बता पाऊँगा कि यहाँ पर एक बार आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा उसमें क्या करना है इस पी डी आप इस जो फॉर्मेट को क्या करना है एक बार पढ़ लीजिएगा वेबसाइट के ऊपर तो अपलोड करना ही है साथ में आयोग के कार्यालय में भी भेजने तो इससे भी आप देख लीजिएगा कि भेजना है या नहीं भेजना है एड्रेस आपको बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे अब आते हैं कुछ कमेंट्स के ऊपर यहाँ पर सर मेरे आवेदक फॉर्म की जगह पर आपने साइन अपलोड नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है आप इतना गलती आप कर ही रहे हो तो आप क्या कहा जा सकता है पर फिर भी गलती नहीं होना चाहिए था आपने गलती कर दिया कोई दिक्कत अब भी के लिए तो नहीं है आप कुछ भी कर लो ये गलती अभी सही भी नहीं होंगी जो हो गए सही है कोई फॉर्म आपका रिजेक्ट अब भी के लिए तो नहीं होंगे ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं मैट्रिक क्वालिफिकेशन में ऑल फिल कर दिया है तो क्या सही है या ऑल सब्जेक्ट लिखना चाहिए था तो आप ऑल लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपने सभी सब सब्जेक्ट लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है फोटो क्लियर है बट उसका बैकग्राउंड ब्लू है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं आप चाहते हैं सुधारना तो आप सुधार सकते हैं ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ मैंने कास्ट दो हज़ार बीस दे दी तो उसे आप, आप सुधार दीजिए आप 2020 हजार कास्ट सर्टिफिकेट कभी का भी दे सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को में कोई डेट नहीं होता हाँ आप एन सी अप्लाई कर रहे हैं या ईडब्ल्यू एस दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको लेटेस्ट चाहिए नए फाइनेंशियल ईयर के चाहिए जिस समय के मांगे जा रहे थे उस फाइनेंशियल ईयर के चाहिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट में कभी का भी आप दो कोई दिक्कत नहीं है सर फॉर्म भरते समय आर ऑफिसर की जगह पर सी हो गए तो ठीक वैसे ही सुधारना जैसे हम लोगों ने बात कर रखा है फिर वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है तो वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रहा है आप बिहार एस एस सी ऑनलाइन डॉट कॉम के ऊपर चले जाइए वहाँ पर आपको सिर्फ अपलोड कर देना है भैया फोटो गलत फॉर्मेट में अपलोड हो गए हैं तो क्या सुधरेंगे तो फॉर्मेट गलत हुए इससे क्या दिक्कत है आपका जो वाइट तो बैकग्राउंड या कोई लाइट कलर बैकग्राउंड आपने अपलोड कर रखा है उससे ही काम चलेगा तो रहा आप सुधारना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर रखा है एक पीछे आप पीछे चले जाए वहाँ से आपको पता चल जाएंगे ठीक है फिर इसके बाद वेबसाइट नॉट वर्क दो दिन शायद वर्क चल रहे हैं वेबसाइट के ऊपर उसे ठीक किया जा रहा है बहुत जल्द वेबसाइट लाइव आ जाएंगे अभी वेबसाइट हाँ बिहार एस एस सी ऑनलाइन डॉट कॉम पर जाए वहाँ पर आपका काम कर रहा है वेबसाइट फिर सर प्लीज टेल में ग्रेजुएशन बी टेक में मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर मेन्शन नहीं है तो मैंने सीरियल नंबर डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का नहीं है ठीक है क्रिमी लेयर और नॉन क्रिमी लेयर का कलेक्शन होगा जो भी हो आप एक बार आपका जो नए फाइनेंशियल ईयर के, के हिसाब से आपको बनाने हैं और उसके बाद आपको अपलोड करने आप करेक्शन करना चाहते हैं ये ये आप करेक्शन लिख रहे हैं तो करेक्शन करना चाहते हैं तो पुराने सर्टिफिकेट में जो गलती आपने किया था बस उसी गलती को आप सुधार सकते हैं आपके पास यहां सुधारने के लिए सर्टिफिकेट नहीं है आपने सर्टिफिकेट नंबर गलती किया है तो आप सर्टिफिकेट नंबर सुधार लीजिए आप वहां पर ये दिखाना चाहते हैं आप नए अपलोड करना चाहते हैं तो आप नए सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा और वहां पर आप अब भी के डेट में इश्यू डेट में कोई भी सर्टिफिकेट लगाते तो गलत हो जाएंगे जो भी लगाने जो फॉर्म सबमिट uh, हुए थे डेट यानी लास्ट डेट एक जून थे एक जून के पहले के जो भी सर्टिफिकेट आप लगाना चाहो जो भी आप चेंज करना चाहो लेयर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ही बदलना चाहो बदल सकते हो बस वहां पर आपके पास ऑप्शन होंगे और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आपने गलती से क्लिक कर दिया इससे भी चेंज करने का ऑप्शन है ठीक वैसे ही वहां अपने कॉलम में जाए वहां पर लिख दे आपका काम बन जाएंगे फोटो बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर रखा है सर मेरा ओबीसी बी सी का माँ का नाम गलत हो गए तो आप सुधारना चाहें तो आप एक बार फिर से फॉर्म अपलोड कर दें ठीक है आपका सुधर जाएंगे आयोग के वेबसाइट के ऊपर भी भेज दें फोटो का बैकग्राउंड कैसे सुधरेगा इसके ऊपर बात कर रखा है फोटो ब्लू बैकग्राउंड में को कोई दिक्कत नहीं है आप चाहते हैं सुधारना तो सुधार ले सकते हैं सिग्नेचर ब्लर हो गए हैं तो उसका क्या करेंगे सिग्नेचर ब्लर ही हो जाते हैं आप जो फॉर्मेट में मांगे जाते हो वो ब्लर ही हो जाते हैं वो उससे कोई दिक्कत नहीं है आप फिर भी आप नया अपलोड करना चाहें तो ठीक उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फोटो अपलोड करने की बात कही थी वैसे ही आपको आयोग के पास भेजने होंगे फोटो बैकग्राउंड में ब्लू हो गया कोई दिक्कत नहीं है कैसे पता कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ या नहीं ऐसा कुछ पता करने के कोई ऑप्शन नहीं दिए गए ये जब आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद आखिरी में आपको जब फिलिम्स एग्ज़ाम ले ली जाए उसके बाद आपको फॉर्म रिजेक्ट हुए या नहीं हुए ये सारे पता चल पाएंगे सर रिसीविंग नहीं मिल रहा है एडिट कैसे करेंगे कोई ऑप्शन नहीं है आप अपने ई मेल पर आप अपने एस पर आप जाकर देखें वहाँ पर आपको मिल जाते हैं देन वहाँ पर ठीक है नहीं मिलते हैं तो कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है या फिर आयोग के ऑफिस में जाए वहां पर आपको रिसीविंग मिल जाएंगे मैट्रिक मार्कशीट नंबर डाल दिया है तो क्या आप सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं अब मार्कशीट नंबर कि ये गलत तरीका है ना आप सर्टिफिकेट नंबर हम सुधार सकते हैं इसे सुधार दीजिए सही रहेगा आपको सिर्फ वैसे ही करना है, जो आपका सब्जेक्ट लिखना सब्जेक्ट जिस तरह से हम लोग ने स्टार्टिंग में बात किया ठीक वैसे ही आपको करना है देन आपका कंप्लीट हो जाएगा सर व्याविक महिला के निवास प्रमाण मान छब्बीस जून दो का बना हुआ और है पिता पिता के नाम से आप सुधार दे सकते हैं नहीं इस नए डेट को आपको नहीं देना है जो भी करना है एक जून के पहले करना है या एक जून तक करना है जो लास्ट डेट है सबमिट करने का उसी डेट के पहले करना है नए डेट आपको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आपके पास ऑप्शन नहीं है लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिट करने का डेट था उसी हिसाब से फाइनल फॉर्म सबमिट के बाद प्लेस में कॉलम आता है जिसमें जो भी हो, जगह सिर्फ एल की फिल हो गए तो क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर वेबसाइट यहाँ पर शो नहीं कर रहा अब भी वेबसाइट नोटिस हुआ वर्क नहीं कर रहा सर फोटो करेक्शन वैसे हम लोग बात कर चुके हैं विलेज मोहल्ला आपको सुधारना चाहते हैं आप सुधार सकते हैं ठीक वैसे आपको लिख कर भेजने हैं ब्लू बैकग्राउंड में फोटो के बारे में बताइए तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आप चाहते हैं सुधारना तो सुधार सकते हैं सर फोटो बैकग्राउंड ब्लू है कैसे चल चेंज होगा तो आप चाहते हैं तो सुधारना तो सुधार सकते हैं पर कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाले सर फॉर्म सी ओ के बदले आर ओ सेलेक्ट होगा ठीक वैसे ही फिल करना है जैसे हम लोगों ने बात कर रखा है आप वैसे फिल करके आपको भेज देने हैं आपको सुधर जाएंगे सर विलेज यहाँ पर जैसे फिर ठीक है एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा सी ओ से आप जब भी बनाते हैं तो वहाँ पर जो सिग्नेचर होते हैं जो उस सर्टिफिकेट इशू करते हैं आर ओ इशू करते हैं तो आपने आर ओ भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है आपने सी ओ भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो करियालीस ऑफ इशू है वो आरओ से ही इशू है सर्किल ऑफिसर से या सर्किल ऑफिस से ही, ही इशू है अब जब बात आती है उसे सिग्नेचर किसने किया उसे ऑथराइज किसने किया इसे सर्टिफिकेट बनाया किसने सिग्नेचर किया फाइनल वर्स सिग्नेचर किसका ये आरओ का इससे आपको कुछ भी चेंज कर रखा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है फिर यहां पर बात करें वही तो पूछ फिर अगले फेसबुक पर सर मोहल्ला के कॉलम में डिस्ट्रिक्ट के नाम के लिख दिया तो यहाँ पर आप सुधारना चाहें ठीक वैसे ही सुधार दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सुधारने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए ओ में मैंने सेंट्रल वाला डाल दिया था अब मैं स्टेट कर, नहीं आप नए नहीं आप बना के डाल सकते हैं अब नया चेंज करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएंगे क्योंकि आप नए डेट के साथ डालेंगे हाँ एक जून के पहले आप बन गए थे तो आप चेंज करवा सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर गलती का और डेट गलती ऑप्शन में डालकर नहीं तो आपको सुधारना नहीं चाहिए जो है पहले से सेंटर फॉर्मेट में कोई दिक्कत आपको ज्यादा नहीं होंगे फिलहाल तो अभी एग्जाम क्लियर करने की जरूरत है एग्जाम के ऊपर ध्यान देना चाहिए सर मेरा आवासीय जाति प्रमाण ऑफिस लालगंज सेहरा वलने से हरा हो गया है और अप्लाई करते समय सुधारना चाहे तो सुधार सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हो हाँ पर जब बात आती है जब अपॉइंटमेंट भेजने की जॉब लेटर का उस समय थोड़े बहुत एड्रेस की वजह से आपको ध्यान रखना पड़ता है आपको जिस जो भी गलती हुई जिस ब्लॉक में आपने गलत तो आपने पोस्ट ऑफिस दे रखा होगा उस पोस्ट ऑफिस में आपको जाकर आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे ये गलती नहीं होनी चाहिए पर फिर भी कर रखा तो आप सुधारना चाहें सुधार सकते हैं नहीं भी सुधारते तो कोई दिक्कत नहीं होंगे बस आपको ख्याल रखना पड़ेगा उस समय मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि फोटो बैकग्राउंड और उसका कुछ बता ही नहीं रहे हैं आप लोग तो इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर रखा है इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में बात कर रखा है आप उसी तरीके से चले जाएं सर फोटो बैकग्राउंड में सुधार तो यहाँ पर इसी तरह से अब हम लोग बात कर जनरल ई डब्ल्यू बनाया है तीन दिन पहले की आई नहीं नया आप डाल सकते हैं ठीक है नया नहीं डाल सकते जो उसी डेट का है उसी डेट का आप डाल सकते हैं ऐसा बोलकर और लोगों को कन्फ्यूज मत कीजिए बस यही थे इतना ही कमेंट थे और हमने सभी कमेंट को उम्मीद करता हूँ कि रिप्लाई मिल गए होंगे और जो भी गलती है आप सुधारना चाहें जिस के हिसाब से आप सुधार सकते हैं कोई मुश्किल का काम नहीं है और यहाँ पर आसानी से सब कुछ सुधार जाएंगे चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद